हेलो, सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पहला स्टेप हमारा पहला स्टेप किया था इफेक्टिव सॉइल प्रेशर का, और डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग की तरफ थे हम। टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप था इफेक्टिव सॉइल प्रेशर, जिसको हम पिछली वीडियो में हमने कवर कर दिया था, लेकिन आज की वीडियो में बकाए 7 स्टेप्स कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा स्टेप्स इस वीडियो में हो सके उतने ज़्यादा कवर कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, जो अब हम जो टॉपिक कंटिन्यू हमारा डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग, उसका सेकंड स्टेप विड्थ ऑफ फुटिंग। तो विड्थ ऑफ फुटिंग समझने के लिए पहले तो एक एक अजम्पशन करते हैं। विड्थ ऑफ फुटिंग में वो हमें यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, उससे हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो ये एक 3D हम बोल सकते हैं व्यू है, 3D व्यू शो कर रहा है। एक 3D व्यू शो कर रहा है किसका? वॉल का, वॉल ऑफ फुटिंग का। तो यहाँ पे लेंथ जो होगी, इस वाली साइड को हम बोलते हैं लेंथ एल, ठीक है। और हम ये वाली साइड को हम बोलते हैं क्या? लेंथ। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो हम फिट ऑफ फुटिंग फाइंड कर रहे हैं ना, वो 1 फिट की विड्थ के लिए कर रहे हैं, 1 फिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये लेंथ हमने 1 फिट, और इससे ज़्यादा आगे कितनी भी इसकी लेंथ हो तो उसके लिए भी ये डिज़ाइन हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर हम 1 फिट के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं, मतलब सारी थ्रू आउट विथ के लिए सेम ही रहेगी डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले जो अब विथ ऑफ फुटिंग में जो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, वो होगा विथ कितनी होनी चाहिए फुटिंग की हमारी, एज्यूमिंग विथ, एज्यूमिंग लेंथ 1 फिट लेंथ ऑफ फुटिंग ऑफ वॉल फॉर फॉर वन फिट लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है ना। 1 फिट लेंथ है वॉल की, और 1 फिट के बाद अब हमारा एक स्टेप आएगा कि किस तरह हम विड्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करते हैं। विड्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है, विड्थ को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू, किसको मैं, बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? टोटल लोड, टोटल लोड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव सॉइल प्रेशर, जिसको मैंने क्यू से डिनोट किया था। अब टोटल लोड क्या है? टोटल लोड है हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइडेड बाय क्यू, इफेक्टिव सॉइल प्रेशर जो हमने 4.32 पिछले स्टेप में हमने कंक्लूड किया था। तो डेड लोड और लाइव लोड क्या है हमारा? डेड लोड और लाइव लोड हमें सवाल में मिलेगा, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं इसको इरेज करके वापसी आपको शो करता हूँ कि हमारा, हाँ, तो डेड लोड हमें दिया गया है सवाल में 26 kPa, और लाइव लोड हमें दिया गया है 20 kPa। तो यही हम यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग में यूज़ करेंगे, डेड लोड और लाइव लोड। तो डेड लोड और लाइव लोड कितने हुए? एक था 20, 20 प्लस 26, ये है लाइव लोड, ये है डेड लोड डिवाइडेड बाय 4.32। और ये वापसी में चेक कर लूँ कि ये थे डेड लोड 26 है, ठीक है, 26। तो यहाँ से जो हमें हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिला है 10.7 फीट।
ठीक है ना। तो अब हम यूज़ क्या करेंगे, क्या यही करेंगे विद? नहीं, हम यूज़ करेंगे विद, यूजिंग 11 फिट वाइड फुटिंग, ठीक है ना। और इसका एक और जनरली मैं बता दूं कि ये विड्थ ऑफ फुटिंग किस चीज़ को बोल रहा है। तो विड्थ ऑफ फुटिंग ये बोल रहा है, ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। और ये जो ये शायद दिखा रहा है ना, ये विड्थ बी जो हमने 11 फिट कैलकुलेट की है, 10.7 फिट कैलकुलेट की थी और 11 फिट हमने अपनी तरफ से ये एज्यूम की है, ठीक है। 11 फिट मतलब बढ़ा दी है, एज्यूम नहीं की बल्कि। उसके बाद हमारा कौन सा पता है, नेट अपवर्ड प्रेशर। नेट अपवर्ड प्रेशर है क्या, पहले तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि नेट अपवर्ड प्रेशर आखिर है क्या। तो पहले तो एक फुटिंग, अगर हम यहाँ पे अगर हम एक फुटिंग बना लें वापसी, ठीक है, ये फुटिंग है, तो हमें पता है कि ये जो होता है ये इफेक्टिव सॉइल प्रेशर जो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं नेट अपवर्ड प्रेशर। नेट अपवर्ड प्रेशर से मतलब है, मिसाल तौर ये है कि मिसाल तौर नहीं, लोड जाहिर सी बात है, लोड इसके ऊपर पड़ेगा, डेड लोड लाइव लोड का फैक्टर्ड लोड, ठीक है। फैक्टर्ड लोड बोले हैं, डेड लोड लाइव लोड जितना भी लोड इसको फुटिंग के ऊपर आएगा, ये फुटिंग नीचे जाएगी। और ये जो नीचे से लोड लग रहा है ना, ये इफेक्टिव सॉइल प्रेशर ये वाला, तो ये अब जाहिर सी बात है इसको ऊपर करेगा। तो हमारी एक फ्री बॉडी डायग्राम होगी इसकी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी फुटिंग की, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रेशर अब ऊपर डाल रही है ना, ये फुटिंग, उसको हम बोलते हैं नेट अपवर्ड प्रेशर। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि जो नई एज्यूम्ड विड्थ ऑफ फुटिंग है उस पर और फैक्टर लोड पे। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास नेट अपवर्ड प्रेशर को जो शो साइन से डिनोट करते हैं वो है क्यू यू, ठीक है ना। और क्यू यू बराबर है फैक्टर लोड, फैक्टर लोड क्या है हमारे पास, पी यू डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फुटिंग मतलब बी। तो पी यू किसके बराबर होगा, पी यू बराबर होगा 1.2 डेड डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फुटिंग। विड्थ ऑफ फुटिंग हमने 11 फिट निकाली थी पिछले स्टेप में, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्यू यू बराबर हुआ 1.2 डेड, मतलब 1.2 डेड 26 था, वापसी अगर हम सवाल में देखें तो 26 ही है, प्लस 1.6 लाइव लोड है हमारा 20, ठीक है। तो डिवाइड कर दे अगर हम 11 फिट से, तो हमारे पास क्यू यू कितना आएगा, 63.2, नहीं ऊपर आंसर आ रहा है हमारे पास 63.2 डिवाइड बाई 11 फिट। हमारे पास जो आंसर आया है वो है नेट अपवर्ड प्रेशर 5.745, 7.745 KSF, ठीक है, 5.745 KSF। ये हमारा नेट अपवर्ड प्रेशर भी निकल गया, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल स्टेप में। उसके बाद है उसके बाद हम स्टेप्स की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा डिज़ाइन ऑफ, हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं, ठीक है, हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। कौन से कौन से, विड्थ ऑफ फुटिंग भी निकाल दिया, नेट अपवर्ड प्रेशर भी निकाल, अब है डेप्थ फॉर शेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो डेप्थ फॉर शेयर रिक्वायरमेंट निकालने गई। अब डेप्थ फॉर शेयर रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है, अब वापसी इसी RCC वॉल फुटिंग की तरफ अगर हम आए तो नहीं, हाँ अब इसी वॉल इसी फुटिंग को अगर हम देखें तो
यहाँ से सपोज करें कि इस फुटिंग को हम इस व्यू से देखते हैं, ऊपर वाले व्यू से। सपोज करें इस फुटिंग को हम ऊपर वाले व्यू से देख रहे हैं। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या नज़र आएगा? ऊपर से मैं देखूंगा तो मुझे कुछ शेप इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारी फुटिंग कुछ इस तरह से होगी, 1 फिट की, ठीक है ना? ये फुटिंग की विड्थ, क्योंकि ये विड्थ है, ठीक है ना, जो हमने निकाली है पिछले स्टेप में। ये विड्थ है, ठीक है, और ये विड्थ यहाँ पे शो हो रही है। हम देख किस साइड से रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे शो किया है कि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये हमें विड्थ दिखेगी, और ये इसके अंदर, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये है मेरी, हाँ, ये फुटिंग की, जो मैं बोल सकता हूँ, वेब वगैरह हो गया, ऊपर जो वॉल है, ये हमें वॉल दिख रही है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो डेप्थ फॉर शेयर रुका रहा हमारे सवाल है। अब यही चीज़ मैं यहीं पे आके बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरी फुटिंग, ये मेरी, हमारी फुटिंग है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो वॉल है वो कुछ इस तरह हमें दिख रही थी, ठीक है ना, और ये विड्थ भी, ठीक है। तो अब आगे अगर हम प्रोसीड करें तो डेप्थ फॉर शेयर रिक्वायरमेंट, पहले सबसे पहले एक चीज़ समझ में आएगी, शेयर लग कहाँ रही है, ठीक है ना? और उसके अलावा मैं एक ग्राउंड लेवल बना देता हूँ, या ये तो टॉप व्यू है, ठीक है ना, टॉप व्यू। इसके अलावा मैं एक और व्यू शो करवाता हूँ यहाँ पे, साइड व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना? वो हमारा किस तरह होगा? ये होगा, ठीक है। तो साइड व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्यू यू या नेट अपवर्ड प्रेशर, ठीक है ना? तो ये प्रेशर लगता है वो कॉलम के फेस से एक डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस पे लगता है। डी क्या है? डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये हमारा हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग है, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है ना? तो जो क्यू यू लगेगा वो यहाँ से एक डी की डिस्टेंस पे लगेगा, डी एफ जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो इस डिस्टेंस पे लगेगा। तो जो शेयर फोर्स हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? क्यू यू, अब जो लोड लग रहा है, उसके अलावा, अच्छा, क्यू यू जो हमारे पास है ना, अपर प्रेशर, वो हमारे पास है किप्स पर फिट में, ठीक है ना? क्योंकि हमें विड्थ भी इसमें कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरी यहाँ पे अब लोड लग रहा है वो के पर फिट में लग रहा है, तो इसको शेयर फोर्स, शेयर फोर्स फोर्स होती है, तो उसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो विड्थ हम कितनी मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है, वो यहाँ से लेकर, मैं कलर तब्दील करते हैं तो इस समझ में, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगेगी। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके ये लोड यहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर प्रेशर यहाँ से आ रहा है, तो ये अगर हम लगाएंगे यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो हमें एक शेयर फोर्स बता देगा, कहाँ किस पॉइंट पे बताएगा हमें, और वो इसी पॉइंट पे बताएगा हमें, क्योंकि ये है क्रिटिकल सेक्शन। ये क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो अब और ज़्यादा मैं इसको शो करूँ तो ये फिगर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए, क्योंकि अब मतलब, बल्कि मैं दूसरी फिगर बना लेता हूँ। ये मेरी फुटिंग है, अब हमें ये बात पता चलेगी हमें चाहिए कहाँ पे शेयर फोर्स, ठीक है ना? अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस क्या है? बी, ठीक है, मुझे शेयर फोर्स का चाहिए, ये सपोज करिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? डी, डेप्थ ऑफ फुटिंग,
जो डिस्टेंस है वो ये वाली है, वो यहाँ जहाँ यहाँ पे जो डेप्थ है डी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस शो कर रही है, ठीक है ना। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो मैं अब ब्लू से शो करवाने वाला हूँ, रेड से शो करवाने वाला हूँ, बल्कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, अब ये वाली चीज़ का हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊँ, मतलब फुटिंग के बीचों बीच, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं कलर शो करता हूँ ब्लू, तो ये फुटिंग के बीचों बीच अगर मैं आऊँ तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये होगी बी बाई टू, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं कलर तब्दील करके वापसी मैं ऑरेंज कलर की तरफ आ रहा हूँ, अगर मैं ये डिस्टेंस शो करूँ, ये मतलब वॉल का आधा हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है वॉल, ठीक है ना, और ये पूरी वॉल है, और वॉल का आधा हिस्सा कितना होगा, सी बाय टू। तो अगर मैं बी बाय टू में से, मतलब ये पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूं, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बी बी बाय टू मुझे मिल गया है, तो अब माइनस सी बाय टू, अब मेरे पास, अब मैं जो डिस्टेंस में हूँ वो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अब मुझे ये डिस्टेंस माइनस करनी है, येलो से मैं शो कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है कि ये डी है, तो अगर माइनस डी कर दूँ डेप्थ ऑफ फुटिंग, तो मुझे ये वाली जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो रेड कलर में मुझे शो हो रही है यहाँ पे, वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। क्या किया मैंने, पहले मैंने पूरी लेंथ को आधा किया, मतलब मैं इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आधी कॉलम की डिस्टेंस को मैच किया, मुझे पता था ये आधी कॉलम की डिस्टेंस है यहाँ तक, तो आधी कॉलम की डिस्टेंस माइनस हो गई। उसके बाद मैं आया डेप्थ की, इफेक्टिव डेप्थ, बल्कि इफेक्टिव डेप्थ होगा, तो इफेक्टिव डेप्थ की डिस्टेंस मैंने माइनस की, तो फिर मुझे वो पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल गई जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, और वो यहाँ से कॉलम नहीं, फुटिंग के कॉर्नर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए थी मुझे, और मुझे वो क्रिटिकल सेक्शन तक डिस्टेंस मिल गई। तो क्रिटिकल सेक्शन तक डिस्टेंस शेयर फोर्स निकालने के लिए वो बी बाई टू माइनस सी बाई टू माइनस डी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये डिस्टेंस हमें काम आएगी शेयर फोर्स निकालने के लिए, तो शेयर फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी यू